Hello friends, welcome back. I am Ranin. So today we are going to start with last type of system, that is invertible and non-invertible systems. तो ये आज का हमारा last type of system है. इसके बाद कोई type of system नहीं बचेगा पढ़ने के लिए. तो चलिए definition देखते हैं invertible system की. तो इन्वर्टिबल सिस्टम की डेफिनेशन ये कह रहा है कि इस सिस्टम इज़ इन्वर्टिबल इफ डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू डिफरेंट आउटपुट, डेट इज टू डिफरेंट इनपुट्स फॉर ए गिवन सिस्टम शुड नॉट प्रोड्यूस सेम आउटपुट. इन अदर वर्ड्स, इफ इनपुट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सिस्टम आउटपुट, द सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल. और इन्वर्टिबल सिस्टम को हम इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम से भी समझते हैं. ठीक है, चलिए इसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे. उससे पहले हम एक काम करते हैं, वन टू वन मैपिंग समझ लेते हैं. वन टू वन मैपिंग क्या होता है? देखिए, वन टू वन मैपिंग, पहला तो वन टू वन मैपिंग की बात करते हैं अपन. देखिए, वन टू वन मैपिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट में यदि डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिले. फॉर एग्जांपल, यदि एक्स वन किसी भी सिस्टम का एक्स वन इनपुट से वाई वन रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सिमिलरली दूसरे इनपुट से दूसरा आउटपुट जनरेट होता है, सिमिलरली तीसरे इनपुट से तीसरा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो इसको हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग. यानी कि डिफरेंट अलग अलग इनपुट में, ये अलग अलग इनपुट में, ये देखिए अलग अलग इनपुट में जब अलग अलग आउटपुट हमें मिलता है तो उसको हम कहते हैं वन टू वन मैपिंग. ठीक है, नेक्स्ट होता है वन टू और चलिए पहले मेनी टू वन समझ लेते हैं. मेनी टू वन, देखिए मेनी टू वन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट इनपुट में. डिफरेंट इनपुट का मतलब होता है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, यानी कि इनपुट की अलग अलग वैल्यू में. जब इनपुट की अलग अलग वैल्यू में आउटपुट क्या मिले, आउटपुट हमें सेम मिले, है ना. डिफरेंट इनपुट में यदि आउटपुट हमें सेम मिलता है, एक जैसा आउटपुट मिलता है, तो उसको हम कहते हैं मेनी टू वन मैपिंग. मेनी टू वन मैपिंग. थर्ड वन इज, थर्ड होता है वन टू मेनी मैपिंग. वन टू मेनी मैपिंग का मतलब होता है कि एक ही इनपुट से जब हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिले, फॉर एग्जांपल वाई वन टी वाई टू टी, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेगा तो उसको हम कहेंगे वन टू मेनी मैपिंग. ठीक, इतनी बात क्लियर. जब किसी सिस्टम का वन टू वन मैपिंग फॉलो करता है, जब किसी भी सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन वन टू वन मैपिंग फॉलो करता है, तो उस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल सिस्टम. ठीक है, इन्वर्टिबल सिस्टम कहते हैं. जब किसी सिस्टम के इनपुट आउटपुट रिलेशन में जब मेनी टू वन मैपिंग या फिर वन टू मेनी मैपिंग, यानी कि डिफरेंट इनपुट में यदि सेम आउटपुट मिलता है और एक ही इनपुट से डिफरेंट आउटपुट जनरेट होके आता है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड जब किसी भी इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ द सिस्टम फॉलो करेगा, तो उसको हम नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम कहेंगे. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ठीक है,
तो इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम का इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल पता करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। देखो, ब्लॉक डायग्राम में पहले वाले सिस्टम में हमने एक्स ऑफ टी को इनपुट माना। इनपुट क्या माना? इनपुट दिख रहा है, और वाई ऑफ टी आउटपुट जनरेट करके हमें मिला, ठीक है। अब ठीक, इसके बाद हम एक ऐसा सिस्टम लगाएंगे जो कि पहले सिस्टम का आउटपुट उस सिस्टम का इनपुट कहलाएगा, और उससे जो आउटपुट जनरेट होगा वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स वन टी इज इक्वल्स टू एक्स टी होना चाहिए, ठीक। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि हम मान लेते हैं कि किसी भी सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन कुछ ऐसा दिया है, आ रही बात समझ में? तो ये एग्जांपल हम एक लेते हैं, और एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये जो इनपुट आउटपुट रिलेशन से हम इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल कैसे पता करेंगे। तो देखिए, वाई ऑफ टी इक्वल्स टू टू ऑफ टू इन टू एक्स ऑफ टी, वेयर एक्स टी इज वाट? एक्स टी है आपका पहले वाले सिस्टम का इनपुट, सिस्टम वन का, सिस्टम वन के लिए ये इनपुट है, ठीक है। और वाई टी क्या है? ये आउटपुट जनरेट होके मिलेगा जो इस वाले सिस्टम का आउटपुट है। इतनी बात क्लियर, ठीक। फिर अगेन हम क्या करेंगे? देखो, वाई टी अगेन हम क्या करेंगे, दूसरा इसका इनवर्स सिस्टम लेंगे। तो इनवर्स सिस्टम जब हम देंगे तो वाई ऑफ टी अब क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। किसका इनपुट होगा? इनवर्स सिस्टम का इनपुट होगा, इनवर्स सिस्टम का इनपुट होगा, ठीक है, इनवर्स सिस्टम का इनपुट होगा। और ये जो x1t जो हम लेंगे वो क्या होगा? वो आपका आउटपुट कहलाएगा। किसका? इनवर्स सिस्टम का, इनवर्स सिस्टम का आउटपुट कहलाएगा, ठीक। अब जब x ऑफ t, यानी कि जब ये x ऑफ t इक्वल हो जाएगा x1t के बराबर मिलेगा, तो तब सिस्टम कैसे कहलाएगा? इन्वर्टिबल सिस्टम, ठीक है, इन्वर्टिबल सिस्टम कहलाएगा। चलिए चेक करते हैं कैसे कहलाएगा इन्वर्टिबल सिस्टम। देखिए, ये y ऑफ t का रिलेशन दिया हुआ है, y ऑफ t इक्वल्स टू टू इंटू एक्स ऑफ t, ठीक है। ये है y ऑफ t इक्वल्स टू टू इंटू एक्स ऑफ t। तो y ऑफ t से x ऑफ t लाने के लिए, यानी कि x1 t लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x1 t लाने के लिए, x1t को xt के बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y of t को हाफ करना पड़ेगा, यानी कि हाफ ऑफ y of t। जब y of t को हाफ करेंगे तो वापस से x of t आ जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख रहे हो कि x1t xt के बराबर आ गया, तो इसका मतलब सिस्टम क्या कहलाएगा? ये सिस्टम कहलाएगा इन्वर्टिबल सिस्टम। तो इस टाइप से अपन इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम्स आर इन्वर्टिबल विद इनपुट एक्स ऑफ टी एंड वाई ऑफ टी। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा ये। चलिए लेट्स सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका, वाई ऑफ टी
देखो यहाँ पे, यहाँ पे y ऑफ t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टी दिया है, ठीक है। चलिए दो डिफरेंट इनपुट में देखते हैं कि दो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ठीक। मान लो लेट x ऑफ t हमने ले लिया u ऑफ t, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने, दूसरा हमने कंसीडर किया x ऑफ माइनस t इक्वल्स x ऑफ t इक्वल्स टू माइनस u ऑफ t, ठीक है। जब हम देखो यहाँ पे दो अलग अलग इनपुट लिए हैं, एक यूनिट स्टेप फंक्शन लिया है पॉजिटिव एम्पलीट्यूड का और दूसरा हमने नेगेटिव, एक दूसरा यूनिट स्टेप फंक्शन लिया है नेगेटिव एम्पलीट्यूड का, ठीक है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड का लिया है। अब देखो यहाँ पे जब हम x ऑफ t इक्वल्स टू u ऑफ t लेंगे, ठीक है, चलो इसको x1 t मान लो, इसको x2 t मान लेते हैं। जब हम x1 t इक्वल्स टू u ऑफ t लेंगे, ठीक है, u ऑफ माइनस t नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते टाइम पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे देखिए x1 t इक्वल्स टू u ऑफ t लेंगे तो y ऑफ t क्या मिलेगा हमें, u ऑफ t का स्क्वायर, u ऑफ t का यूनिट स्टेप फंक्शन का स्क्वायर क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन ही होता है, यानी कि u ऑफ t मिलेगा, ठीक है। सिग्नल में आपने पढ़ा होगा कि यूनिट स्टेप का किसी भी दो यूनिट स्टेप का स्टेप सिग्नल का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यूनिट स्टेप सिग्नल ही देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्स टू टी को हमने माइनस यू ऑफ टी लिया, तो माइनस यू ऑफ टी के लिए जब हम वाई टू टी देखेंगे कि आउटपुट क्या मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स माइनस यू ऑफ टी का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टी दिया है ना, तो माइनस यू ऑफ टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यू ऑफ टी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट पे ठीक है, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, मतलब एक जैसा आउटपुट मिल रहा है, सेम आउटपुट। टू डिफरेंट इनपुट में यदि जब सेम आउटपुट मिलता है तो उसको हम मेनी टू वन कहते हैं, और जब मेनी टू वन की कंडीशन आएगी तो उस टाइप का सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। किस टाइप का सिस्टम कहलाएगा, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, ठीक है, ठीक, इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। यहाँ पर भी हम पहले इनपुट आउटपुट रिलेशन लिख लेते हैं, y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ 2t, अब फिर से हम वही इनपुट लेके चलेंगे, कौन से इनपुट लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे लेट, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था x1 t इक्वल्स टू u of t, ठीक है, x1 t जब u of t लोगे तो y1 t क्या मिलेगा, y1 t मिलेगा आपका यहाँ पे x of 2 t, x1 t equals to u t, तो x2 t क्या हो जाएगा, u t t, u of 2 t, ठीक है। और यूनिट स्टेप सिग्नल में जब आप स्केलिंग भी, जब आप स्केलिंग लगाते हैं वो वापस से वही सिग्नल दे देता है, यानी कि u of t, ठीक है। सिमिलर इन सिमिलर मैनर व्हेन वी लेट एक्स टू टी इक्वल्स टू माइनस यू ऑफ टी, ओके, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे वाई ऑफ टी क्या होगा, वाई टू टी क्या होगा, वाई टू टी हमें मिलेगा माइनस यू ऑफ टू टी, ठीक है, माइनस यू ऑफ टू टी, है ना। तो देखो यहाँ पे
अब यहाँ पे देखते हैं कि दो अलग अलग इनपुट में दो अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं। ये हमने एक बार यू टी लिया, दूसरी बार माइनस ऑफ यू ऑफ टी लिया। यू टी में हमें जो आउटपुट सिग्नल जनरेट हुआ वो हमारा कुछ ऐसा हुआ, यू ऑफ टी जनरेट हुआ। और जब माइनस यू ऑफ टी में हमारा आउटपुट जो जनरेट हुआ वो क्या हुआ, माइनस यू ऑफ टू टी। माइनस यू ऑफ टू टी भी क्या होता है, माइनस यू ऑफ टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट इनपुट में दो डिफरेंट आउटपुट जनरेट हुआ, तो इसे कहते हैं वन टू वन मैपिंग, है ना। दो अलग अलग इनपुट में जब दो अलग अलग आउटपुट मिलेगा तो उसको हम कहेंगे वन टू वन मैपिंग। तो वन टू वन मैपिंग की कंडीशन जब फॉलो करता है इनपुट आउटपुट रिलेशंस ऑफ एनी सिस्टम, तो डैट सिस्टम इज नोन एज इन्वर्टिबल सिस्टम, इन्वर्टिबल सिस्टम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड का इनपुट आउटपुट रिलेशन क्या दिया है, इनपुट आउटपुट रिलेशन दिया है y ऑफ t इक्वल्स टू d बाई डी टी एक्स ऑफ t, ठीक है। अगेन हम x1 t लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू 1, x2 t भी ले लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू मतलब 2, दो अलग इनपुट ले लिया हमने। x1 t जब हम 1 लेंगे तो y ऑफ t क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मतलब 0 y1 t, और यहाँ पे y2 t क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट यानी कि 0। तो यहाँ पर दो डिफरेंट इनपुट में हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, इस टाइप के सिस्टम को कहते हैं नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो देखो इसका रीज़न आप दे सकते हो, इसका रीज़न क्या लिखोगे, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम का रीज़न यही लिखोगे कि डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू सेम आउटपुट, यानी कि दो डिफरेंट इनपुट में सेम आउटपुट दे रहा है तो वो कहलाता है नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। और इसमें लिख सकते हो डिफरेंट इनपुट्स, डिफरेंट इनपुट्स लीड्स टू डिफरेंट आउटपुट, तो इस टाइप का सिस्टम इन्वर्टेबल सिस्टम कहलाता है। अगेन यहाँ पे डिफरेंट इनपुट leads to different, sorry, to same output. तो इस टाइप के सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो आज हमने ये लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, तो हमारे जितने भी टाइप ऑफ सिस्टम थे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप इन्वर्टेबल सिस्टम और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम किसी भी इनपुट आउटपुट रिलेशन ऑफ सिस्टम से कैसे पहचानोगे वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने इसका डेफिनेशन, ब्लॉक डायग्राम, वन टू वन मैपिंग ये सब पता होना चाहिए, मैनी टू वन मैपिंग, वन टू मैनी मैपिंग, और एक एग्जाम्पल के तौर पर कैसे हम किसी भी सिस्टम को इन्वर्टेबल सिस्टम कह सकते हैं वो देखा। और हमने क्वेश्चंस के थ्रू भी देखा कि सिस्टम को इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल कैसे पहचानेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिस्टम से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ गेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस गेट के क्वेश्चंस लेके आएंगे, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस, या फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस के कलेक्शंस लेके आऊँगा, क्योंकि अपना सिस्टम ख़त्म हो चुका है, ठीक है? तो अब हम थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जामिनेशंस में किस टाइप के, मतलब व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन लाइक गेट, ESC और स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।